महिलाएं बाई ओर ही क्यों छिदवाती हैं नाक? भारतीय संस्कृति में किसी भी आभूषण को पहनने के पीछे विशेष कारण जिनका स्पष्ट उल्लेख हमारे प्राचीन वेदों में मिलता है। आपको बता दें हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का उल्लेख है, उसमें नथ पहनना भी एक है। हमारी सोसाइटी में विवाहित महिला हो या कुंवारी युवती, आमतौर पर सभी नाक को छिदवाना पसंद करती। हालांकि आज की नई आधुनिक महिलाएं इसे फैशन से जोड़कर देखती, वहीं शादीशुदा महिलाएं भारतीय रीति रिवाज के चलते नाक में नथ या तिनका पहनती है। हालांकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से नाक छिदवाना अति आवश्यक माना जाता है। यह सच है कि कम लड़कियां जानती हैं कि नाक छिदवाना स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। आपको बता दें कि नाक को छेदने की प्रथा भारत में पूर्वी देशों से आई है। 16वीं सदी में यह प्रथा ने भारत में प्रवेश किया था। नाक को छेदने की कोई उम्र नहीं होती, इसे बचपन, किशोरावस्था, वयस्क होने पर भी कभी भी छिदवाया जा सकता है। यहां तक कि महिलाएं गर्भावस्था में भी नाक छिदवा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि नाक छिदवाने के क्या फायदे। वेदों और शास्त्रों में उल्लेख है कि नाक छिदवाने से महिला को महावारी पीड़ा से राहत मिलती है। इसके अलावा प्रसव के दौरान शिशु को जन्म देने में भी सहजता होती है, साथ ही नाक छिदवाने से माइग्रेन में भी राहत मिलती है। अब आपको यह जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि नाक को बाईं ओर ही क्यों छेदा जाता है। इसका भी साइंटिफिक कारण है। असल में लड़कियों की बाईं ओर नाक इसलिए छिदवाई जाती है क्योंकि उस जगह की नसें महिलाओं के प्रजनन अंगों से जुड़ी होती है। नाक के इस हिस्से पर छेद करने से महिला को प्रसव के दौरान कम दर्द होता है, इसी कारण से बाईं ओर नाक छिदवाई जाती है। आपको बता दें कि नाक छिदवाने से शरीर के महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट प्रभावित होते हैं। इनसे शरीर में एक खास किस्म का दबाव बनता है जो हार्मोन्स पैदा करता है। यह हार्मोन्स आपके दर्द को कम करने में सहायता करते हैं। जिस तरह चाइनीज लोग एक्यूप्रेशर पद्धति का इस्तेमाल करके शरीर के विशिष्ट प्रेशर पॉइंटों पर दबाव डालते हैं और आपको दर्द में राहत मिलती है। ध्यान रहे कि नाक छिदवाते समय आप साफ सुथरी दुकान से और स्वच्छ उपकरणों के द्वारा ही नाक को छिदवाएं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।